हेलो, वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ रॉक एसएमपी। तो गाइस, ये स्टार्टिंग थोड़ी अजीब सी है, बट हमें लानी है मेंडिंग। 40 डायमंड देख रहे हो ना, तो फन ब्लॉक जी ने 5 डायमंड ऑफर करे हैं फॉर 1 बुक मेंडिंग की। पैसा ही पैसा होगा, अभी मजा आएगा ना। और उसने 8 बुक मंगाई हैं। तो चलो लेकर आते हैं मेंडिंग बुक विलेजर से। तो फन ब्लॉक तो अभी कहीं गया हुआ है, तो उसकी सारी मेंडिंग की बुक्स मैं इस चेस्ट में रख देता हूँ, और अगर और उसको कुछ और चाहिए होगा तो अपन और दे सकते हैं उसको। तो गाइज, अब मैं आ गया हूँ विलेजर ट्रेडिंग हॉल पे, और अब मैं यहाँ पे कुछ ग्राइंडिंग करूँगा कि विलेजर वगैरह को सबको मैक्स आउट करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास मैक्स आउट होंगे ना ट्रेड्स तो मेरे को ज़्यादा कम एमरल्ड्स में ज़्यादा चीज़ें भी मिलेंगी। तो इसलिए मैं सारे विलेजरों को मैक्स आउट कर देता हूँ, और आप इन्जॉय करना। मैं टाइम लैप्स में करूँगा शायद से इसको सबको। तो गाइस, जब मैं अगले दिन लॉगिन हुआ तब मैंने देखा कि यहाँ पे रेड चल रही है, और ये रेड कराई थी फन ब्लॉक ने, और उसको लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा उसने मेरे हॉल में क्यों रेड कराई। और जब ये रेड मतलब लाइक स्टार्ट हो रही थी, दो तीन स्टार्ट हो नहीं रही थी, मतलब दो तीन प्लेजर बचे हुए थे, तो मैंने उनको फिनिश किया, और लाइक आई गॉट अ डिसेंट लूट आउट ऑफ इट। बट फन ब्लॉक मेरे को ब्लेम कर रहा था कि मैंने उसकी रेड एंड कर दी, बट नाउ उसने सॉर्ट आउट कर लिया है सब कुछ, और वो पेनल्टी देने को तैयार है, कि क्योंकि मेरे ना इस काम में 3 विलेजर मर गए, तो पेनल्टी में तो मैं उससे कुछ ज़्यादा कुछ खास मांगूंगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं उससे ना गोल्डन एप्पल या फिर गोल्ड मांग लेता हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना वो जो विलेजर मरे हैं ना उनकी ट्रेड लो कराने के लिए गोल्डन एप्पल चाहिए। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, उससे ना सिर्फ गोल्डन एप्पल मांग लूँगा, और बाकी तो खैर ये मेरे लिए एक फ़ायदा ही था, फ़ायदा मतलब लॉस भी था, वो 3 विलेजर चले गए, बट मेरे को 4 टोटम मिल गए, वो अच्छा था, और तो बाकी सब कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ, और अपने सारे देखो मेरे को 4 टोटम मिले, 1, 2, 3, और मेरा ना एक ना मेरे ऑफ हैंड में लगा हुआ है, तो उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। अरे खुल क्यों नहीं रही इन्वेंट्री, हाँ खुल जा, खुल गई, लैग हो गया था, इसको भी रख देते हैं। और ये 4 मिल गए हैं, ये जो ऊपर रखा है ना ऊपर, ये पहले का मिला हुआ है, और 2 मेरी एंडर चेस्ट में पहले से और रखे हुए हैं। तो मेरे पास मतलब लाइक काफ़ी सारे टोटम हो गए हैं, और ज़रूरत नहीं है, अमीर हो गया हूँ मैं फिलहाल। गाइज, यहाँ पे मैं अपने विलेजरों के लिए ग्रेव बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 बनाऊँगा, और ये जो बॉटम वाला स्टोन है ना, देखो ये वाला नहीं, इसके नहीं नीचे वाला, हाँ ये वाला स्टोन है ना, इधर मैं लगाऊँगा एक एमरल्ड का ब्लॉक, क्योंकि उनको एमरल्ड पसंद थे, तो एज अ एस्थेटिक और वॉट एवर मैं एक एमरल्ड का ब्लॉक भी लगा रहा हूँ, और इनकी ग्रेव भी बना रहा हूँ। 2 कार्टोग्राफर मरे थे और एक लाइब्रेरियन मरा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RIP कार्टोग्राफर, और पे भी ऐसे लिख दूंगा, और एक लिख दूंगा RIP द लाइब्रेरियन, ऐसे लिख दूंगा। अब मैंने तीनों के तीनों ग्रेव बना दिए हैं, और मैंने इस पे भी लिख दिया है, तो ये देखो ये तीनों के तीनों ग्रेव बन गए हैं। क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ मैं, और अब अपन आगे और ग्राइंडिंग करते हैं विलेजरों की, क्योंकि मेरे को अभी भी काफ़ी सारा सामान चाहिए। अब मैं काट रहा हूँ वुड, लाइक लगभग 2 फुल, मेरा इरादा है कि 1 या फिर 1.5 शल्कर बॉक्स फुल ऑफ वुड काटूँगा। क्यों काट रहा हूँ मैं ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना है एक क्रीपर फार्म, और क्रीपर फार्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए, और ब्लॉक्स सबसे इजीली कलेक्ट करना तो यही होता है स्प्रूस वुड, तो इसलिए मैं स्प्रूस वुड कलेक्ट कर रहा हूँ अपने क्रीपर फार्म के लिए। मैं इसको भी टाइम लैप्स कर देता ये, पर ये बहुत ज़्यादा क्लिप हो जाएगी, तो मेरे को लगता नहीं टाइम लैप्स, और मैं ऑलरेडी एक टाइम लैप्स कर चुका हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि मेरे को और टाइम लैप्स करना चाहिए। तो जब मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे मैं आपसे तब मिलता हूँ। लिटिल बिट ऑफ अ प्रोग्रेस अपडेट, मैंने ये इतनी वुड कलेक्ट कर लिया है, इसको मैं एक शल्कर बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, मैंने डार्क ओक और नॉर्मल ओक भी कलेक्ट करी है, और कलेक्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो गाइज, मैं आपको मेथड बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्लेरिक से एंडरपल ट्रेड कर लिया, और फिर मैं एंडरपल को ना एकदम टॉप पर फेंक देता हूँ ऐसे ही, और फिर इसके टॉप पर आके ना इस ट्री को टॉप से डाउन माइन करता हूँ। ये ईजी होता है वे, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ।
सो लिटल बिट ऑफ मोर प्रोग्रेस अपडेट, मैंने इतनी वुड कलेक्ट कर ली है और वुड कलेक्ट करूँगा और फिर मिलूँगा। गाइस, जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, सबको पता चल जाएगा ये वीडियो लेट क्यों है, क्योंकि मैंने देखो कितने सारे तो वुड कलेक्ट करी हैं। ये ओह इधर माय स्टैक से शेयर करूँगा अगर गॉड, आपको बिलीव नहीं हो रहा तो। और फिर मैंने दूसरे में डीप स्लेट है, और डीप स्लेट तो मैंने माइंड नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी था, और इस वाले में थोड़ी सी और वुड है, तो मेरे हिसाब से ये इनफ होगा। और नहीं हुआ तो मेरे को दोबारा आके माइन करना पड़ेगा, बट अभी क्रीपर फार्म बनाने चलते हैं और लोकेशन ढूंढते हैं। मैंने अपनी लोकेशन फाइंड कर लिया, अपन इस ओशन के ऊपर बनाएंगे अपना क्रीपर फार्म। तो मैं जल्दी से एक बार यहाँ पे इस आइलैंड पे शायद से बैड बैड लगा लेता हूँ, और सुबह बनाएंगे क्योंकि रात हो गई है। तो मैं इस लोकेशन मतलब ओशन के अंदर इस लोकेशन में बनाऊँगा, तो मैंने स्कैफोल्डिंग ऊपर लगा दिए हैं। वैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे को ब्लॉक से पिलर अप करना पड़ेगा, बट जबकि जब देखेंगे, अभी तो स्कैफोल्डिंग है तो स्कैफोल्डिंग से पिलर अप कर देंगे। मेरे को 193 कोऑर्डिनेट्स तक जाना है, तो अभी तो मैं 193 ब्लॉक्स ऊपर आ चुका हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो मेरे को ना अब ना 4x4 के ना वो बनाना है एक चेम्बर टाइप जिससे, और मेरे को उसको ना 22 ब्लॉक्स ऊपर लेकर जाना है जिससे कि जैसे क्रीपर फूटे तो वो हाफ HP पे रह जाए। 22 ब्लॉक्स नहीं, 21 आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं आ गया हूँ 21 और 20 ब्लॉक्स ऊपर, मैंने अंदाजे से आगे मैं चेक नहीं किया। और अब मेरे को ना 8-8 ब्लॉक्स ना ईच डायरेक्शन में जाना है। तो अब मेरे को पूरे एरिया में ब्लॉक्स लगाने हैं ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, और इनके ऊपर फिर स्टेयर्स लगानी है। नाउ द बाउंड्री हैज़ बीन डन, अब इसके ऊपर स्टेयर्स लगाते हैं। नाउ द स्टेयर्स पार्ट इज़ ऑल डन, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया अब ये। अब मैं एक बार नीचे ही चलता हूँ एकदम। ओह हाय, तुम यहाँ पे कैसे हो भाई, एकदम कोने में बैठ के क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से चलो जाओ यहाँ से। तो मैं अभी बना रहा हूँ एक इन्फिनिट वाटर सोर्स, क्योंकि जो चेयर्स हमने पहले लगाई थी उनके ऊपर अब मेरे को डालना है पानी, और ये ब्लॉक पता नहीं कहाँ से आ गया, तोड़ो। मैं पानी डालना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो इस चेयर पे, और वो दूसरी बकेट का भी डाल देते हैं, और ऐसे मेरे को ये पूरा फिल करना है, तो ये हो जाएगा तब मिलूँगा आपसे। लास्ट चेयर है, इस पे भी मैं पानी डाल ही देता हूँ, और ये पूरा कंप्लीट हो गया है एकदम। मैंने एक इस साइड पर वाटर सोर्स बना लिया था, अब मेरे को इस पूरे वाटर सोर्स को हटा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। तो मेरी ना थोड़ी सी वीडियो करप्ट हो गई है, और मैंने मतलब इतना काम और कर लिया है इसमें, और ये मेरे को प्लेटफॉर्म बनाना था ऐसे। अब मैं ये जो होल्स हैं इसके अंदर ट्रैप डोर और बटन लगाऊंगा। देखो बटन मैं अभी लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट वुड से बटन बना दो। तो वो बटन तो मैं ऐसे लगाऊंगा इन पे, और जो होल्स हैं उसके अंदर ट्रैप डोर लगाऊंगा, वो 11 स्टैक के ट्रैप डोर थे ना उन्हीं को यहाँ पे लगाऊंगा। अभी ना मैं ना घर जा रहा था, और मैं शायद से गलत रास्ते पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को एक बैम्बू फॉरेस्ट मिल गया है। चलो बढ़िया है, अब मैं यहाँ से ना कोको बीन्स और वो भी ले लूँगा। तो मेरे को मिल तो गए हैं ये वाला कोको बीन्स वाला ट्री, ट्री क्या मतलब जिस ट्री पे कोको बीन्स लगे रहते हैं, इसको ले लेता हूँ। और ट्री को भी मतलब ट्री की सैपलिंग का वेट कर लूँगा मैं पूरा बैठ के यहाँ पर, और फिर जब सैपलिंग गिर जाएगी इसको घर पे भी लेकर जाएंगे। मैंने ना सैपलिंग वैपलिंग और कोको बीन्स वगैरह सब कल कर लिया, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो अ लिटल बिट ऑफ अपडेट, मेरी इतनी लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, और मेरे को शायद से एक लेयर और बनानी है, फिर ऊपर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे सब जगह अंधेरा हो जाए। तो अब मेरे ना सारे लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, और अब मेरे को ऊपर 8 ब्लॉक्स ऊपर ना एक प्लेटफॉर्म बनाना है काफ़ी बड़ा, मतलब लाइक पता नहीं कितने ब्लॉक्स का, बट मतलब हर कोने से 8 ब्लॉक्स दूर होना चाहिए वो। सो अब मेरे को इस पिलर से इस डायरेक्शन में गाइस 8 ब्लॉक्स जाना है, और नेक्स्ट डायरेक्शन में भी 8 ब्लॉक्स ही जाना है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो अब इस तरीके से जाना था। अब मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ, दूसरे वाले मतलब दूसरे कॉर्नर पे। नाउ द सेकेंड कॉर्नर इज़ ऑल्सो डन, अब थर्ड कॉर्नर करने चलते हैं। नाउ द थर्ड कॉर्नर इज़ ऑल्सो बीन डन, अब फोर्थ कॉर्नर करने चलते हैं। अब फाइनली चारों कॉर्नर्स हो गए हैं, अब बस मेरे को ना इसको फिल करना है, फिर ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो ये फार्म बनाना है, मैंने इसको इस तरीके से सेटअप किया है कि जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो सबसे टॉप वाली लेयर है, उस पर स्केलेटन और जॉम्बीज एंडरमैन सब कुछ स्पॉन हो सकता है, बस बाकी के लेयर्स पे क्रीपर स्पॉन हो सकते हैं। और मैंने मतलब ये ऐसे ही बनाया कि जिससे थोड़ी सी बोन्स भी मिल सकें। गाइस लिटरली मैं काफ़ी देर से इस रूफ़ को बना रहा था, ये इतनी बड़ी रूफ़ है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक 1-1.5 घंटा लग गया है। और अब बस इतना सा पैच बचा है, फिर मेरे को नीचे जाके किलिंग चेम्बर बनाना है, और फिर ये फार्म ऑलमोस्ट डन है। और मैंने नीचे एक वो भी बना लिया नेदर पोर्टल जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो। ये हमारा लास्ट ब्लॉक है, इसको रखते ही ये पूरा फार्म कम्प्लीट। तो लो ये फार्म कम्प्लीट हो गया, बस अब ये पिलर सा तोड़ना है और अपनी स्लैब वापस रख देते हैं इधर, एकदम रख दी मैंने, और मेरा ये पूरा फार्म कंप्लीट हो गया। और जो अभी रोशनी देख रहा हूँ ना, ये टॉर्चेस की वजह से आ रही है, इसको भी मैं टॉर्चेस हटा दूंगा ना, फिर सब कुछ सही हो जाए।
मैंने जो अपनी स्टेयर्स बना रखे थे ना वो सब हटा लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को भी हटा लेते हैं क्योंकि मैं ये जो छोटा सा टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म था ना इसको भी हटाने वाला हूँ। एंडर चेस्ट को भी तोड़ लेते हैं और हाँ ये सही पिकैक्स है, और इस ब्लैक वाले हैंडी बॉक्स को भी तोड़ लेते हैं और इस प्लेटफॉर्म को भी तोड़ लेता हूँ मैं। मेरे सारे रॉकेट्स ख़त्म हो गए हैं और अब मेरे को ऊपर जाना है, तो अब मैं ये पानी से जा रहा हूँ। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है क्योंकि इतना लंबा, मैं कम से कम 150 ब्लॉक्स ऊपर फार्म बनाया है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पता नहीं कितने सालों में पहुँचूँगा मैं। 2000 years later अब मैं फाइनली ऊपर आ ही गया हूँ। भाई कितनी देर लग गई पता नहीं। अब नेदर के अंदर चलते हैं एक बार, तो क्योंकि मेरे को घर जाना है और कुछ सामान लेकर आना है। मेरे को मेरा घर टूटा टूटा सा क्यों लग रहा है नेदर पोर्टल से? भाई लो यहाँ पे भी किसी ने क्रीपर ब्लास्ट कर दिया, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से मैं इन लोगों से बोलता हूँ कि मेरे घर से दूर रहो। देखना भाई कितनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी उन्होंने। अब इसको मैं रिपेयर बाद में करूँगा। इट इज़ टाइम टू रिवील द बैनर ऑफ द सेकेंड एपिसोड। तो इन 3, 2, 1 गो। ये है, ये फायर वेदर बैनर है। इसका मैं शॉट भी अपलोड करूँगा मैंने कैसे बनाया था, तो उसके लिए आप वॉच आउट कर लेना। भाई देखो कितना मस्त लग रहा है ये बैनर वॉर। पूरी मैं मतलब भर दूंगा, क्या पता मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े इन्हें, बट हाँ मैं कर दूंगा। और ये इन्होंने तोड़ रखा है मेरा घर बेवकूफ़ से ने। तो अब आगे अपना क्रीपर फार्म कंटिन्यू करते हैं। नाउ आई हैव टू मेक अ ऑटो किलर, और ऑटो किलर ना मेरे को अच्छी तरह आते नहीं है बनाने, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो जो बेसिक सा होता है, पहले तो 4 पिस्टन इस फॉर्मेट में प्लेस करने होते हैं, मतलब एक एक ब्लॉक की दूरी पे, और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। इतना मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है। शायद से इस पिस्टन के ऊपर टॉर्च रखूँगा, फिर आई गेस ये ऑब्जर्वर, जब ये पिस्टन एक्टिवेट होगा तो वो टॉर्च बंद होगी। हाँ ऐसे करना है, तो इस पिस्टन पे भी टॉर्च रखनी है और मेरे को इसको ऑब्जर्वर पे डालना है जिससे ये इसको ऑब्जर्व करे, और फिर अब इस पिस्टन के पीछे मेरे को टॉर्च रखनी है एक, और फिर अब एक ऑब्जर्वर फेसिंग दिस टॉर्च, और अब ऐसे इस पिस्टन पे करना है जिससे कि ये सारे ना एक उसमें चल जाए लूप में। और अरे ये तो क्या हो गया, गलती से हो गया। अब मेरे को इसको ब्लॉक पे लगा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हाँ ब्लॉक पे लगा देता हूँ। अब आई थिंक ये वर्क करेगा। मैंने लेवर क्राफ्ट कर लिया और इसको लगा के देखते हैं काम करेगा। हाँ अब जब नेक्स्ट टाइम चलाऊँगा ना तो शायद से काम करना चाहिए। भाई देखो कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा मैंने, बना दिया बिना ट्यूटोरियल देखे। सब बस बेटा कंप्लीट हो ही गया है पूरा। अब बस एक ट्राइडेंट फेंकना है और मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर दी है यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है ना, मैंने ना ऊपर ब्लॉक्स लगा दिए थे जिससे क्रीपर वगैरह गिरे तो कोई छू नहीं। अरे शिट, भाई ख़त्म ये। अबे तुम मर जा। हाँ अबे मतलब अब पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। वैसे मेरे को इसका अंदाज़ा था, मैंने ही बेवकूफ़पंती कर दी। अब मैं अगली बार करूँगा ना तो पहले इनको डिस्पॉन कराऊँगा, मतलब दूर जाके इनको डिस्पॉन करा के फिर दोबारा मतलब फिर खोलूँगा वो ऊपर वाला पार्ट। तो मैंने इसको पूरा रीबिल्ड कर लिया है। अब एक बार दूर जाता हूँ और मॉब्स को डिस्पॉन होने देता हूँ, फिर उसको ओपन करूँगा। मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, हाँ कोई भी नहीं है देखो मॉब्स यहाँ पे, और 2 ब्लॉक्स और ऊपर हैं। अरे कैसे तोड़ूँ उनको मैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। हाँ अब तोड़ूँगा, बस इस बीच ना कोई क्रीपर ना फूट जाए। हाँ देखो अब मैंने कोई भी नहीं है मॉब, क्योंकि मैं दूर चले गया था ना तो वो डिस्पॉन हो गए ये। चलो मैंने अच्छा आइडिया, अच्छा दिमाग लगाया। भाई मेरे को अभी हार्ट अटैक आ गया था भाई, सीरियसली। इसको एक बार बो से मारने दो, रुको बो से मारने दो, निकल पहली फुर्सत में। और अब मेरे को यहाँ से ग्लास से कवर कर लेने दो जल्दी से, जिससे पहले कोई क्रीपर ना आए। तो ये फार्म एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। देखो स्केलेटन भी आ रहे हैं सब, मतलब स्केलेटन वगैरह तो कम आएंगे, गन पाउडर ज़्यादा आएगा और स्केलेटन ज़ॉम्बी तो कम आएंगे, बट हाँ ये बो और ये जो पैंट्स वगैरह होती है ना इनसे भर जाएगी मेरी सारी चेस्ट। बट उसका भी सोल्यूशन अपन निकाल लेंगे, फिल्टर लगा देंगे। और तो बस ये कंप्लीट है। थिंक गाइज मैंने इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। मैंने लिटरली 2 दिन तक तो विलेजरों से ग्राइंड करा था। मेरे पास फूड आ गया है, मोस्ट ऑफ द बुक्स भी आ गई हैं और काफ़ी सारा सामान आ गया है। भाई मैं इतना पास क्यों जा रहा हूँ, इतना पास? अरे 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 पीछे हो भाई, पीछे हो। और मेरे को मतलब ये देखो क्रीपर फार्म भी हमारा एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, जोम्बी भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एफ पे करूँगा और फिर देखते हैं। और अगर वीडियो लेट आ रही है सॉरी उसके लिए। एंड हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, उसके बिना तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। ये वीडियो ना 25 या फिर 26 को आ रही है, तो 26 को आए ना तो मैं स्ट्रीम भी करूँगा 26 को। तो प्लीज़ स्ट्रीम देखना मेरी, क्योंकि मैंने रिपब्लिक डे के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑसम सोच के रखा है। अनटिल देन गुड बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय। ये मशीन कितना आवाज़ करती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया, वरना मैं बंद कर देता इसको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।